बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आज का हमारा टॉपिक है इनवर्स प्रोपोर्शन। इनवर्स प्रोपोर्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और पेडागोजी मैथमेटिक्स में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखते हैं कि इनवर्स प्रोपोर्शन क्या चीज है। इफ टू क्वांटिटीज आर रिलेटेड इन सच अ वे वन क्वांटिटी इंक्रीज अदर क्वांटिटी डिक्रीज, यानी कि दो क्वांटिटीज के दरमियान ऐसा रिलेशन कि जब एक क्वांटिटी बढ़े तो उसके बढ़ने के साथ दूसरी क्वांटिटी घट जाए, या फिर दूसरी क्वांटिटी बढ़े तो उसके बढ़ने के साथ पहली क्वांटिटी घट जाए। एक जब बढ़े और उसके बढ़ने के साथ दूसरी घट जाए। फॉर एग्जाम्पल, एक रूम को दो लेबर दो दिनों में उसको कलर करते हैं, यानी कि अगर दो मजदूर दो लेबर एक रूम को दो दिन में कलर कंप्लीट करते हैं, तो अगर लेबर बढ़ जाएं तो लेबर चार हो जाएं तो वो कितने दिनों में वो उसको कलर करेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि जब लेबर ज़्यादा होंगे तो दिन कम लगेंगे, यानी एक क्वांटिटी के बढ़ने से दूसरी क्वांटिटी घट जाती है। मैं इसकी एग्जांपल लेता हूँ कि एक हमारे पास आ गया लेबर। हमने क्वेश्चन में देखना है कि कौन कौन सी क्वांटिटीज इसमें यूज हो रही हैं। एक क्वांटिटी आ गई लेबर और दूसरी को हम कहते हैं डेज। हम कहते हैं कि एक मकान को तीन लेबर एक मकान को सात दिन लगा के कलर करते हैं। अगर लेबर बढ़ जाएं, लेबर अगर हो जाएं पांच, तो वो कितने दिनों में उस घर को कलर करते हैं, कलर कर सकेंगे। यानी कि लेबर जब ज्यादा होंगे तो कलर जल्दी करेंगे, दिन कम लगेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि ये इनवर्स प्रोपोर्शन की एग्जांपल है। जब भी इनवर्स प्रोपोर्शन का क्वेश्चन हो तो हम क्या करेंगे, हम एरो लगाएंगे, एक एरो ऊपर और दूसरा एरो नीचे, इसलिए कि ये इनवर्स प्रोपोर्शन है। हमने पिछली वीडियो में क्या किया कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन में या तो दोनों एरो नीचे या फिर दोनों एरो ऊपर, लेकिन इनवर्स प्रोपोर्शन में एक एरो ऊपर जाएगा और दूसरा एरो नीचे होगा। क्यों? कि एक क्वांटिटी बढ़ती है तो उसके बढ़ने के साथ दूसरी क्वांटिटी घट जाती है। अब ये एरो ऊपर जा रहा है तो इसको हम पहले लिखेंगे 5:3। 3 बाद में आया क्योंकि पहले 5 लिखेंगे फिर 3, उसके बाद प्रोपोर्शन। फिर क्या करेंगे, एरो नीचे आ रहा है, पहले 7 लिखेंगे, 7:x। अब वही वाला क्वेश्चन आ गया कि एक्सट्रीम को एक्सट्रीम से मल्टीप्लाई करेंगे और मीन को मीन से मल्टीप्लाई करेंगे। एक्सट्रीम एक्सट्रीम से और मीन मीन से मल्टीप्लाई करेंगे। 5 को मल्टीप्लाई करेंगे x से, 5 × x इज इक्वल टू, प्रोपोर्शन की जगह हमने इक्वल टू डाल दिया। उसके बाद 7 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 × 3। अब देखते हैं 5 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया हमारे पास 5x। उसके बाद प्रोपोर्शन की जगह इक्वल टू 7 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया हमारे पास 21। एक्स की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, x इधर ही रहेगा, 5 यहां मल्टीप्लाई हो रहा है तो 5 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। x इज इक्वल टू 21/5। अब ये डिवाइड हो रहा है तो इसको मजीद सिंप्लीफाई कर सकते हैं। कैसे करेंगे, 21/5 = 10. अब x इज इक्वल टू 4.2, यानी कि हमने देखा कि जब तीन लेबर सात दिन लगा के एक घर को पेंट कर रहे थे, उसको कलर कर रहे थे, और जब लेबर 5 हो जाए तो वही लेबर उसी मकान को 5 लेबर 4.2 डेज में कंप्लीट करेंगे। ये थी इनवर्स प्रोपोर्शन की एग्जांपल। इस तरह के बेशमार और भी क्वेश्चन हो सकते हैं, तो उम्मीद है आपको इसकी समझ आ गई होगी और इसको रिलेट करके आप दूसरे क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।